What we can see here is a Newton's cradle, the instrument where we teach children that momentum remains conserved. तो एक ऑब्जेक्ट जितनी मोमेंटम लेके आता है और टकराने के बाद अगर वो रुक जाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट है उतना ही मोमेंटम लेके दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, खींचू एक साथ दो बॉल्स को एक डायरेक्शन में खींचू और रिलीज करूं तो आई विल सी कि दो बॉल दूसरे साइड से निकल रहे हैं. ठीक है, तो दो बॉल के मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए वी रिक्वायर टू बॉल्स. ओके, जस्ट स्टॉपिंग इट. तो दो डिस्प्लेस करा एंड थ्री बॉल्स आर कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. ठीक है, तो बच्चों ये हमारा इसको बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल. बहुत महंगा मिलता है ऑनलाइन जब हम खरीदते हैं उसको, लगभग 1000 रुपीज का मिलता है और मैंने इसको बनाया 50 रुपीज.